बैक टू माई चांस। सेक्टर 7250 स्क्वायर प्लॉट साइज 30x75 इसका डायमेंशन, 1500 स्क्वायर फिर कार्पेट एरिया, छत कॉमन रहेगा इसमें, ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन, सिर्फ टॉप ही बचा, ये बाकी सारा सोल्ड आउट है। मूविंग ऑन टू द स्टिल पार्किंग, एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी वैसे वन पेपर आपको, और ये इसका हो गया ये फ्रंट फजार्ड। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग जो फ्लैट एंट्री करते हो आप वो साउथ वेस्ट है। इसका हो गया पार्किंग एरिया जो कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्लास में लाइट लगी हुई है और ब्लैक कलर की, एक एक गाड़ी ऑन पेपर मिलेगा आपको पार्क करने के लिए। और यहाँ पे लाइट्स प्रोफाइल लाइटिंग में की गई है, फ्लोरिंग की बात करें इसमें काम करा गया है मार्बल का जो कि आप देख पा रहे होगे। और फर्स्ट क्लास काम किया हुआ है, जो इसमें लिफ्ट है वो टॉप तक जाएगी, फिफ्थ फ्लोर तक जाएगी नहीं। बैक साइड में वाटर टैंक दिया हुआ है, स्टोरेज टैंक 3000 लीटर का स्टोरेज टैंक है पर फ्लोर। 1, 2, 3, 4 मूविंग ऑन टू दी लिफ्ट कम स्टेयर केस एरिया, लिफ्ट लॉबी, ये एक ना एक बाथरूम भी बना हुआ है इसमें गार्ड के लिए, ये आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास है। और यहाँ पे इस तरफ इन्होंने वुडन वर्क किया हुआ है, और ये स्टेयर केस है, लिफ्ट है, और यहाँ पे काम किया गया है इसमें मार्बल का, टाइल्स लगी हुई है, कोनी ब्रांड की लिफ्ट है जो कि आप देख सकते हो, ब्रांडेड लिफ्ट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ पाम ट्री लगाया हुआ है आयरन का, इसमें आपको रेलिंग है, और काम किया गया है मार्बल का स्टेयर केस में, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है, कोनी ब्रांड की लिफ्ट है जो कि आप देख सकते हो, टॉप तक जाएगी फिफ्थ तक, ब्रांडेड लिफ्ट है, 408 पैसेंजर लिफ्ट है कोनी की। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, और ये इसका हो गया स्टेयर केस, लिफ्ट जो है फ्रेंड्स में टॉप तक आएगी, कोनी ब्रांड की लिफ्ट आ रही है जो कि आप देख सकते हो ये, और ये छत हो गया, छत कॉमन रहेगा, ये छत है, पूरा टाइल्स का काम किया हुआ, फुट लाइट सारे में लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो, ये सिंटेक्स 1000 लीटर का सिंटेक्स आएगा टॉप पे, फ्लोर वाइज एक एक मिला हुआ है इसमें आपको, यहाँ ये सब बना के भी दे रहे हैं फर्स्ट क्लास, पार्टी पुट्टी भी आप कर सकते हो, टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है छत पे, चार सिंटेक्स ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट क्लास, और ये छत हो गया, यहाँ काउंटर भी दी हुई है, ये डिज़ाइन भी दिया हुआ है इसमें, पार्टी पुट्टी कर सकते हो, यहाँ पे काउंटर बनी हुई है, मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, यहाँ पे इन्होंने सीट लगाई हुई, आयरन के गेट है ये, और ये स्टेयर केस में मार्बल का काम किया गया है। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुरगांवी ब्लॉग्स। आज जो दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी है बेसिकली सेक्टर 7 में नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, 250 स्क्वायर प्लॉट साइज है, प्लॉट का डायमेंशन 30x75 है डायमेंशन, और ये 1500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। जो ये प्लॉट फेसिंग है ये आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप वो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट हो गया। फर्स्ट बेडरूम अटैच फर्स्ट रूम, इस तरफ जो है सेकंड बेडरूम अटैच फर्स्ट रूम, यहाँ पीओपी का वर्क हुआ हुआ है जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये इसका ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया है, ये 3+1 हो गया, और एक छोटा सा यहाँ पर एज अ स्टडी रूम या किड्स रूम बना लो आप अपने हिसाब से, ऑफिस भी बना सकते हो, ये किचन है, या थर्ड बेडरूम अटैच वाशरूम, हर एक रूम्स में टीवी का पैनल दिया हुआ जो कि आप देख पा रहे होगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दी फर्स्ट बेडरूम, एसी का प्रोविज़न हर एक रूम्स में दिया हुआ है, यहाँ पे डोरियो का लॉक है जो कि ये टच से, स्वाइप से, कार्ड से, और आपका की से, ये सारे से ही हो गया डोर का डिज़ाइन जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे कोनी ब्रांड की लिफ्ट आएगी जो कि आप देख पा रहे होगे, कोनी की लिफ्ट है, इसमें भी काम करा गया है पूरा टाइल्स का ऊपर तक। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें वुडन टाइल्स का काम किया गया है, फर्स्ट क्लास है, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है जो कि आप देख पा रहे हो, UPVC की इसमें आपको साइड डोर्स में दिए गए हैं, इसमें डबल ग्लास डोर दिया हुआ है, काफ़ी थिकनेस, काफ़ी मोटा है इसका। और यहाँ AC का प्रोविज़न है, इस तरफ आपका TV आ जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें आपको वाटरूम मिल रहा है जो कि आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्लास है ये, एक बार आप देख सकते हो, ये सारे सॉफ्ट क्लोज है ये।
और इससे अटैच ये वॉशरूम हो गया। वॉशरूम की फिटिंग्स की बात करो फ्रेंड्स, तो जितने भी फिटिंग्स हैं सारे आपको रोका ब्रांड की फिटिंग्स हैं। यहाँ वैनिटी है मार्बल टॉप के साथ, ग्लास बीच में दिया गया है, और वॉशरूम देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे रोका का इसमें आपको कमोट है, टैब्स के फिटिंग है, सारे जितने भी फिटिंग्स हैं सारे रोका ब्रांड के ही दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छे कंपनी का है ये टैब। और ये वॉशरूम हो गया फ्रेंड, सीलिंग शावर मिल रही है इसमें आपको, और मूविंग ऑन टू द फ्रंट बालकनी। फ्रंट बालकनी आप देख लीजिए एक बार। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम किया गया है ग्रेनाइट का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आउटर के लिए सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए हुए हैं। HPL की इसमें क्लैडिंग भी की गई है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है फ्रेंड्स ये। और यहाँ पे पार्क है एडजेसेंट टू पार्क है फ्रेंड्स, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्लास है लोकेशन इसका, रोड भी काफ़ी वाइड है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम, और यहाँ इसका डोर शट के सारे लॉक दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन हो गया। और यहाँ पे स्विच का ब्रांडेड स्विच दी हुई है इसमें। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हो कि फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है। इस तरफ आपको बड़े साइज का वार्डरोब मिल रहा है, पूरा ही वार्डरोब है ये। स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस मिल रहा है इसमें आपको। यहाँ पे टी पैनल का प्रोविजन, EPVC की इसमें स्लाइड स्लाइड डोर्स आ रहे हैं, ये भी फ्रंट बालकनी से हो जाए कनेक्ट। और ये आप देख पा रहे हो वॉशरूम, यहाँ वैनिटी है, ग्लास लगी हुई है, और इसमें स्लाइडर ग्लास भी दी हुई है, पार्टीशन ग्लास। और यहाँ कमोट है, यहाँ शावर हो गया, और ये वॉश बेसिन आ गया। फिटिंग सारे रोका के रहेंगे, ये स्लाइडर है, और ये पूरा ही इंटैक्ट हो जाएगा। अगर बंद करना चाहोगे तो ये बंद भी हो जाएगी ये। और सीलिंग शावर दी हुई है इसमें, ये भी जो है फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, जो कि आप देख सकते हो ये। और नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ देखो सनसेट हो रहा है अभी। मूविंग ऑन टू दी ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्लास इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया। बंद करता हूँ मैं इसको एक बारी, आप देख सकते हो कि इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप एक बड़ी लुक एंड फील देख लो। फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत से लग रहा है। यहाँ पे भी इस तरफ POP वर्क हुई हुई है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये। आप देख सकते हो किचन के सामने वहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, और यहाँ पे सिटिंग एरिया आ जाएगा फर्स्ट क्लास। 8 to 10 सीटर सोफ़ा यहाँ पे आराम से आ जाएगा। और फ्लोरिंग की बात करो, इटालियन फ्लोरिंग है, AC का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरफ देख सकते हैं आप, बड़ा सा TV पैनल भी आ जाएगा यहाँ पे आराम से ये, जो कि इतना बड़ा साइज़ है, जो आराम से 65 इंच की TV आ जाएगी इसमें। और ये आप देख सकते हो, यहाँ भी इन्होंने काम करा हुआ मार्बल का, इसको आप स्टडी रूम किड्स रूम बना सकते हो। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, एक विंडो का प्रोविज़न भी दिया हुआ है इसमें। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, आप ये देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने हिक विज़न का इसमें स्क्रीन लगी हुई, जो भी आएगा विजिटर नीचे यहाँ से डोर को आप अनलॉक कर सकते हो, और देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। अगर बात करें फ्लोरिंग की, इसमें काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो, और मॉडल किचन बनी हुई, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है इसका, देखने में काफ़ी एलिगेंट से। प्रोफाइल लाइटिंग का भी काम इसमें किया गया है, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रिज का प्रोविज़न दिया हुआ, ये पैंट्री एरिया है, और डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है। वो दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जो आप देख सकते हो ये इसका पैंट्री हो गया फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे फ्रिज आएगा, यहाँ माइक्रोवेव OTG के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, डुअल सिंक के साथ ही मिल रहा है, जैगवार के इसमें टैप लगी हुई डुअल सिंक के साथ। और यहाँ पे ये इसका वेट एरिया है आराम से फर्स्ट क्लास, यहाँ इस तरफ आएगी। प्लेटफॉर्म पे और वॉल में दोनों में ही काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो। ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जितने भी ये चैनल से सारे सॉफ्ट क्लोज सारे ब्रांडेड यूज़ किए गए हैं इसमें। गोदरेज की सारे फिटिंग्स हैं इसमें, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे चिमनी आएगी और पाइप ऊपर निकल जाएगा, नीचे स्टोव आएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस में दिया हुआ है, सारे उस तरह के बने हुए हैं सेम डिज़ाइन का। यहाँ एक पार्टीशन ग्लास भी लगी हुई है, तो ये इसका लुक एंड फील आ गया किचन का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो किचन है फ्रेंड्स, आपको
बैक से बैक की बैल्कनी से हो रही कनेक्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें भी काम करा गया है, मार्बल का ग्रेनाइट लगी हुई है, आयरन की इसमें आपको रेलिंग भी दी गई है फर्स्ट क्लास, जो कि आप देख सकते हो। आउटर के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया गया है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इनहेंस कर रहा है फ्रेंड्स। अच्छा, आपने देखा ये जो ग्लास दी गई है, इसमें डबल ग्लास है ये, यहाँ आप देख सकते हो इतनी मोटी सी थिकनेस इस ग्लास की। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, और ये इसका हो गया मास्टर बेडरूम, काफ़ी बड़े साइज़ का रूम है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया है इटालियन फ्लोरिंग का, मार्बल लगी हुई जो कि आप देख पा रहे हो। UPVC की इसमें उस साइड डोर्स आ रहे हैं, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। AC के लिए यहाँ प्रोविज़न भी दिया हुआ है, AC अटैच ही वॉशरूम हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें वैनिटी मिल रही है मार्बल टॉप के साथ, टाइल्स का भी काम किया गया है। साइडर इसमें आपको ट्रिपल ग्लास लगी हुई है, काफ़ी बड़े साइज़ का वॉशरूम है। यहाँ अंदर में भी आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल रही है, ग्लास के डोर्स में दिए हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है इसका, और सारे सॉफ्ट क्लोज हैं ये, जितने भी फिटिंग्स हैं फ्रेंड्स सारे रोका के फिटिंग्स रहेंगे इसमें आपको। और ये पार्टीशन ग्लास भी दी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे इस तरफ कमोट आएगा, और इस तरफ शावर है, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये जो बैल्कनी है, ये जो रूम है फ्रेंड्स, इसमें भी ये पीछे की बैल्कनी से हो रहा कनेक्ट। यहाँ पे टीवी का प्रोविज़न दिया हुआ, टीवी पैनल यहाँ आ जाएगी। नीचे आपको ड्रॉर्स दिए हुए, यहाँ स्टडी टेबल भी लग जाएगी। और ये पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसका ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से कंटेंट लाऊं अपने चैनल पे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।